गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं सेकंड Q&A। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इतना लेट मैंने क्यों मतलब इतना लेट क्यों हो गई। तो रीज़न ये था कि मैं सोच रही थी कि कुछ लोगों के और भी मैसेज आ जाए, जिससे कि मतलब और भी लोग क्वेश्चन पूछ पाए। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था ना कि मेरे Q&A सूट कर लिया, उसके बाद बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसी वजह मैंने सोचा कि कुछ टाइम लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन और कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगी Q&A लेके। तो फर्स्ट Q&A जिसने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लेना। और चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं। और हाँ, स्टार्ट होने से पहले ही मैं बोल देती हूँ, किसी का नाम किसी का क्वेश्चन छूट जाता है तो बुरा मत मानना। जितना मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबका ले सकूं, तो मैं कोशिश करूंगी कि सबका क्वेश्चन उठा सकूं। और कुछ कुछ क्वेश्चन सेम थे, इसी वजह से मैंने छोड़े हैं। तो यदि आपका नाम छूटता है तो प्लीज बुरा मत मानना। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज करो अपने क्वेश्चन Q&A के लिए, सो मैं अब स्टार्ट करती हूँ Q&A लेना। कुछ क्वेश्चन मैंने यूट्यूब से भी लिए हुए हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि वो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते। फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, मैंने वो भी क्वेश्चन कलेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा है सेड लाइन लाइफ ने। उसने पूछा है, व्हेन इज योर बर्थडे, आप कहाँ रहते हो और डू यू हैव ए बेबी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है कि मेरा बर्थडे पड़ता है 22 अक्टूबर को, जी हाँ, जो कि अभी बीत चुका, अब आने में लेट है। और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि मैं इंडिया में रहती हूँ, रांची झारखंड से हूँ। और थर्ड क्वेश्चन है, डू यू हैव ए बेबी, तो नहीं, अभी तक मेरी कोई बेबी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जिया पाल ने, उसका क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो और आपकी शादी हो गई है क्या, आप मेरा नाम ले लो बस, आरोही। तो जी आरोही, मेरी शादी हो चुकी है, मैं रांची झारखंड से हूँ। थर्ड क्वेश्चन पूछा है मान्यता ने, विच ऐप यू एडिट योर ब्लॉग मैम, माई नेम इज मान्यता। तो मान्यता मेक करती हूँ सूट इन शॉर्ट, एक ऐप है उससे करती हूँ, वीटा ऐप से भी कभी कभी करती हूँ। तो ये दो ऐप मैं यूज करती हूँ अपनी वीडियो एडिट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्रिया ने, तो श्रिया का क्वेश्चन है, हाउ यू स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी, लॉट्स ऑफ लव। सो मच श्रिया। और मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी 2020 में, मैंने अपना चैनल बनाया था। उसके बाद मैं एक्टिव उतना नहीं थी, कभी कभी वीडियो डालती थी। उसके बाद मैं एक्टिव 2021 से ही हुई हूँ और अभी तक मैं बहुत एक्टिव हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है माइशा मलिक 06 ने, जो इंस्टाग्राम आईडी है, मैं वही पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आप कहाँ रहती हो, तो मैं रहती हूँ रांची झारखंड से हूँ, इंडिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनुष्का तिवारी ने, आप कितनी क्यूट, कैसे हो, जन्म से हूँ। थैंक यू सो मच पहले तो। और फिर पूछा है चॉकलेट या आइसक्रीम, तो आइसक्रीम। शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स। मेकअप या नो मेकअप, नो मेकअप मुझे पसंद है, लेकिन कभी कभी मैं मेकअप करती हूँ, क्योंकि अच्छा है, लड़की हूँ तो मेकअप करनी भी चाहिए। हील या बूट, तो बूट, हील उससे तो कैरी नहीं होता। शॉर्ट ड्रेस या लॉन्ग ड्रेस, तो लॉन्ग ड्रेस मुझे ज़्यादा पसंद है, और शॉर्ट ड्रेस भी मैं पहनती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पहनती हूँ, लेकिन पसंद मुझे लॉन्ग ड्रेसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मधु शिमिता पंडा ने, दी आई हैव मैनी क्वेश्चंस, ओके, इफ यू कुड ट्रेवल टू एनी ईयर इन ए टाइम मशीन, व्हाट ईयर कुड यू चूज एंड व्हाई। तो मैं जाना चाहूँगी 2012 में, क्योंकि मैं उस टाइम में मैं थोड़ा मुंबई जाना चाहती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन मैंने उस टाइम में पढ़ाई की तरफ में चली गई, जबकि मेरा शौक उधर, और मैं वहाँ पे अपनी मतलब एक्टिंग वाली लाइफ चूज कर लूँ। वाट इज योर ड्रीम, सो मेरा ड्रीम अभी तो यूट्यूबर बनना है, अच्छा यूट्यूबर बनना है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर पूरा होगा। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा है इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर सेल्फ, सो मैं चेंज यही करना चाहूंगी कि मैं फैसले जल्दी ना लूँ, मैं फैसले बहुत जल्दी लेती हूँ, तो मैं ये चेंज करना चाहूंगी कि मैं थोड़ा होल्ड करूँ और उसके बाद कोई भी डिसीजन लूँ। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपने पूछा है, आप लोग बहुत चलाक है, आप लोग एक मतलब पे इतना क्वेश्चन पूछ लिया है ना। अच्छा चलिए मैं जवाब दे देती हूँ सारे क्वेश्चंस का। ओके, वन ऑफ द मोस्ट फन चाइल्डहुड मेमोरी यू हैव, सो मेरी मेमोरी मेरी फैमिली के साथ बहुत सारी है, एक ऐसा कुछ मेमोरी नहीं है। मैं एक बार पूरी घूमने गई थी उड़ीसा, तो वहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती की थी, तो वो मेमोरी मुझे अभी भी याद है। सो वो ठीक है। हु इज योर हीरो, तो हीरो इज माई हस्बैंड, माई ब्रदर, माई फादर, ऑल ऑफ,
ऑल माई फैमिली इज माई हीरो एंड आई एम ऑल्सो इन हीरो. तो इंट्रोड्यूस माई पुच्चू, ये है मेरे पुच्चू. पुच्चू अरे यार बैठो, आगे बढ़ते हैं. व्हाट रियली मेक यू एंग्री? जो कब जब कोई झूठ बोलता है तब मुझे गुस्सा आता है. व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? कभी भी अपना डर किसी को ना बताए सो मैं नहीं बताऊंगी. हो गया, आपके सारे क्वेश्चन मैंने बोल दिया है. मधु समिता ठीक है. सो फेयर नहीं बताऊंगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंद्रप्रीत ने, 78 ने. हाउ स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल? सो मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल 2020 में, लेकिन मैं एक्टिव हुई हूँ 2021 में. वेयर डू यू लिव? सो मैं रहती हूँ रांची, झारखंड, इंडिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अजरा खान ने, व्हाट इज योर एज? तो मेरी एज है 25 इयर्स ओल्ड. बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है तो सबको मैं बता देती हूँ, 25. वेयर डू यू लिव इन इंडिया? रांची, झारखंड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्रीजा दत्ता ने, व्हाट इज योर एज? 25. वैसे तो लड़कियों की एज पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन भर भर के मुझसे एज पूछा गया है. कोई बात नहीं, चलता है. तो 25 ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर्यन सिंह ने, आप लॉन्ग वीडियो के लिए अलग चैनल खोलोगी कि इससे में पोस्ट कीजिएगा रूपा साह वाले चैनल में? सो क्या होता है ना, आप चैनल खोलने से कोई फायदा नहीं है, चैनल को मेंटेन भी करना पड़ता. तो मैं अभी देख रही हूँ क्या करती हूँ. आप लोग जरूर कमेंट बताना कि मुझे दूसरा चैनल खोलना चाहिए लॉन्ग वीडियो के लिए कि मैं इसी में पोस्ट करूँ. आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग के हिसाब से ही मैं करूँगी. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आरू ने, माय क्वेश्चन इज दी, आप यूट्यूब में कितना पैसा आते हो? सो इतना कमा लेती हूँ कि मेरा खर्चा निकल जाता है, दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. तो आगे है बिन्नी. बिन्नी ने पूछा है, सो माय क्वेश्चन, व्हाट इज योर एज? 25. सो प्लीज यार, एक ही क्वेश्चन कितना बोलते हो, 25. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अर्चना शुभेकर ने, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर एज? 25. सेकेंड इज योर फेवरेट मूवी एंड सॉन्ग. तो मेरी फेवरेट मूवी कल होना हो है. मैं जब भी देखती हूँ मुझे बोर नहीं लगता है. तो और सॉन्ग मुझे लेटेस्ट जो भी आता है मैं मुझे अच्छा लगता है. जैसे कि अभी है, अभी जस्ट चला हुआ है, सच बोरिंग डे, सच बोरिंग पीपल. तो कुछ भी आता है तो मुझे अच्छा लगता है. सॉन्ग ऐसा कोई मेरा फेवरेट नहीं है, मतलब ऑल टाइम फेवरेट ऐसा कुछ नहीं है. जो आता है ट्रेंडिंग में चलता है सब मेरा फेवरेट हो जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिल्पा ने, तो व्हाट इज योर एज? 25. हाउ यू मैनेज योर यूट्यूब कॉन्टेंट, यूट्यूब सैलरी? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है. कॉन्टेंट बनाती हूँ मैं खुद से, कॉन्टेंट हो जाता है, कोर्सेज मतलब मैनेज हो जाता है. यदि आप मतलब कि बनाते बनाते मैनेज हो जाता है, ठीक है. सब चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. यूट्यूब सैलरी तो इतनी सैलरी एग्जैक्ट कोई सैलरी नहीं है मेरी अभी. डू यू वॉच केपॉप? नो. प्लीज टेक माई नेम शिल्पा. शिल्पा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सीखा ने, आई वॉन्ट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन. ओके, विच इज योर फेवरेट फूड? सो मुझे मेरी फेवरेट फूड है चिकन. वेयर यू लिव? रांची, झारखंड, इंडिया. व्हाट इज योर हॉबीज? तो मेरी हॉबीज है एक्टिंग करना और एंकरिंग करना एंड हंसते रहना. इज योर फेवरेट सीरियल? सो अभी तो मैं ऐसे फिलहाल कोई सीरियल नहीं देखती हूँ. पहले मैं बहुत सीरियल देखती थी, तभी मेरे बहुत 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 सारे सीरियल है. जैसे कि मैं कुमकुम भाग देखती थी, जो कि अभी देखने मुझे बहुत बोर लगता है. सो मैं अभी सीरियल नहीं देखती. तो ऐसे मुझे रियलिटी शोज अच्छे लगते हैं. विच इज योर व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? तो मैंने भी किया हुआ है बीकॉम, अकाउंट ऑनर्स किया हुआ है मैंने बीकॉम से. लव योर वीडियो. थैंक यू सो मच सीखा. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हैप्पी ने, दी क्या आपको लगा था कि आप इतने आगे आओगे? आई एम योर बिगेस्ट फैन, लव यू. मेरा क्वेश्चन जरूर लेना. ओके हैप्पी. हैप्पी पहली बात तो सच में मैंने नहीं सोचा था. ऑफकोर्स यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सोचा था कि मैं इसमें अच्छा करूँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था. तो आप लोग की वजह से है जो है. थैंक यू सो मच. और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रानी देवी ने, उनका एज, आपकी एज कितनी है? तो 25.
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझे बेस्टीज वर्ल्ड ने, सॉरी दी आई डोंट यूज इंस्टाग्राम सो आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यूट्यूब. ओके, मैंने लिया है फिर भी आपको क्वेश्चन, क्योंकि आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. योर एज 25. मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगी और जवाब आपको देते जाऊंगी, ठीक है? तो क्वेश्चन है योर एज 25, वेयर डू यू लिव, रांची झारखंड, योर यूट्यूब इनकम नहीं बता सकते, बस इतना ही खर्चा निकल जाता है. आर यू ए BTS आर्मी, आर्मी मीन्स मुझे पसंद है, आई लाइक. हाउ डू यू मैनेज योर ऑल थिंग अबाउट दिस इज एब्सेंट मैनेज, इसको मैं शब्दों में कैसे अब एक्सप्लेन करूँ, मैनेज हो जाता है. डू यू हैव एनी सिबलिंग, यस ऑफकोर्स मेरे ब्रदर है, टू सिस्टर्स हैं. हाउ डू स्टार्ट योर यूट्यूब कैरियर, कैरियर तो स्टार्ट मैंने 2020 में किया था, ऐसे ही मैंने जनरली ऐसे ही किया था, मैंने इतना सोच के नहीं किया था. मुझे एंकरिंग होस्टिंग का बहुत, एक्टिंग होस्टिंग एंकरिंग का बहुत शौक था, इसी वजह से मैंने यूट्यूब मतलब स्टार्ट किया था. विच इज योर फर्स्ट वीडियो डेट यू गोज टू ट्रेंडिंग, मैंने अभी तक मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गई है और मैं चाहूँगी कि मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में जाए, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो जरूर जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रेम लता ने, सॉरी दी आई डोंट यूज इंस्टाग्राम सो आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यूट्यूब. ओके, योर एज 25, वेयर डू यू लिव, रांची झारखंड, योर यूट्यूब इनकम इतना है कि खर्चा निकल. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिमरन ने, व्हेन इज योर बर्थडे, 22 अक्टूबर, व्हेन योर एनिवर्सरी, 24 जून, यू हैव ए बेबी, नो, व्हेन यू स्टार्ट यूट्यूब. मैंने कुछ सोच के ऐसे यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था, मैंने 2020 में ऐसे ही स्टार्ट किया था अपने एंकरिंग होस्टिंग के कारण. वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम इन झारखंड रांची. आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, सो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है बीकॉम से, अकाउंट्स ऑनर्स. अब नेक्स्ट पूछा है साक्षी रंजन ने, सॉरी दी आई डोंट यूज इंस्टाग्राम सो दैट्स वाई आई आस्किंग क्वेश्चन टू यूट्यूब. What is your favorite food? तो चिकन, I love chicken, non veg, और वेज में मुझे पनीर बहुत पसंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुविक्षिया ने, सॉरी कि आपका नाम यदि मैंने गलत पढ़ा है तो, सॉरी आई डोंट यूज इंस्टा टू आस्किंग यू ए क्वेश्चन, डू यू हैव ए बॉयफ्रेंड, सो बॉयफ्रेंड कैसे होगा, आई हैव ए हस्बैंड. What is your favorite color? So my favorite color is pink, but अभी मेरे पास इतना ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेसेस हो गई है ना, तो मुझे लगता है कि उसे ही फेवरेट बोलना पड़ेगा, लेकिन मुझे पिंक एंड ब्लू बहुत पसंद है. फूड एंड ड्रेस, तो मेरी फूड मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, चिकन बहुत पसंद है नॉनवेज में, और वेज में मुझे पनीर की आइटम्स पसंद है, और ड्रेस में मुझे गाउन्स बहुत पसंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जयश्री ने, सॉरी दीदी आई डोंट हैव इंस्टाग्राम सो आई एम आस्किंग यू यूट्यूब, योर एज 25. क्वेश्चन पूछा है कार्था चक्रवर्ती ने, आर यू ए बंगाली, आप दी बहुत सुंदर लगते हो. तो थैंक यू सो मच, पहले तो आपको मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, और मैं बंगाली नहीं हूँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फेयर टीजी ने, आई होप कि यही नाम हो और मैंने गलत पढ़ा है तो सॉरी. सो सॉरी दी आई डोंट यूज इंस्टाग्राम सो आई एम आस्किंग क्वेश्चन यूट्यूब, डू यू हैव ए हस्बैंड, यस आई हैव, विच जॉब डू यू डू. मैं अभी जॉब नहीं करती हूँ, मैं अभी जॉब करती हूँ यूट्यूब वाला. आर यू ए BTS एंड ब्लैक पिंक, सो BTS. डू यू हैव ए ब्रदर एंड सिस्टर, यस वन ब्रदर एंड टू सिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुमित कौर ने, आपने यूट्यूब चैनल ओपन करने के किस कैसे सोचा, आपकी फैमिली ने फैमिली मान गए, प्लीज टेल मी. ऑफकोर्स जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी फैमिली में कोई रोक टोक नहीं था, मैं ऐसा नहीं कि मैं शादी से पहले यूट्यूब मैंने किया है, क्योंकि मैं 2020 में मैंने YouTube चैनल खोला था, और उसके पहले भी मैं TikTok एंड लाइकीज बहुत सारे वीडियोस बनाती थी और मेरी फैमिली को कोई एतराज़ नहीं था. उसके बाद मेरी 2021 में मेरी शादी हो गई, फिर मेरे हस्बैंड को भी कोई एतराज़ नहीं था YouTube चलाने से. सो इसके लिए मुझे कभी भी रोका टोका नहीं गया है. मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मुझे होस्टिंग और यंकरिंग का बहुत शौक था, एक्टिंग का बहुत शौक था, तो इसी वजह से मैं YouTube में आई थी, ताकि मैं वो अपनी शौक को पूरा कर सकूं, क्योंकि मुझे एक्ट्रेस बनने का भी एक टाइम में बहुत ज़्यादा शौक था. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अक्षरा शर्मा ने, सॉरी आई डोंट यूज इंस्टाग्राम, योर एज 25, व्हाट वाज योर ड्रीम टू बी. सो यही है कि मैं एक अच्छी यूट्यूबर बनूं और लोग मुझे पहचाने, प्यार दे,
और बस दैट्स इट, अभी तो यही ड्रीम है मेरा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ये ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। दैट्स इट गाइस, मैंने कोशिश की है कि आपके सारे क्वेश्चन लूं, मेरे बारे में ज्यादा जानकारी आपको मेरे इंस्टाग्राम में मिल जाएगी, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मिल जाएगा। दैट्स इट, वीडियो का एंड करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। बाय गाइस।